जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू डूइंग ग्रेट। एग्जाम्स आर ऑन द एनविल, आ ही गए हैं सिर पे बस। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे कंजंक्शंस के। ठीक है, आई होप आपने सारे रिवाइज कर लिया है, तो बहुत इजी हो जाता है जब आपने सारे रूल्स रिवाइज कर लिए। अब देखिए, बी केयरफुल लेस्ट यू विल फॉल, नो एरडी। अगर आपको याद हो, हमने लेस्ट कंजंक्शन की थी, मैंने आपको बताया था लेस्ट के साथ हमेशा एक ही मुड़ा ला सकता है, वो है शुड। तो एरर किसमें था? सी में। शुड आएगा और लेस्ट के साथ नॉट कभी नहीं आएगा। अभी कभी साथ साथ रिवाइज कर लो। ठीक है, लेस्ट के साथ सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है, शुड, और नॉट कभी नहीं आएगा। क्या देखिए, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, नो एरडी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब कॉन्ट्रास्ट की कंजंक्शन करा था, तो आपको बताया था ऑल्डो येट, ये कॉम्बिनेशन होता है, बट नहीं होता, या येट आएगा। ऑल्डो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। स्टूडेंट्स देखिए, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। तो अभी जब हमने मेहनत की है, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम पास होंगे, तो कॉन्ट्रास्ट ही है ना फिर। तो ऑल्डो येट होती है, बट नहीं लगती। I have found that he is neither willing nor or capable. अच्छा स्टूडेंट्स देखो, जब हमने पॉजिटिव में एक चीज चूज करनी है, तो either or लगता है। जब हमें दोनों नहीं चाहिए, तो ये पेयर लगता है, neither nor, ना ये ना वो। मुझे ना ये चाहिए ना वो चाहिए, मैं neither nor लगाऊंगा, तो यहाँ और नहीं आएगा, nor आएगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे neither था, यहाँ error था। या मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो मैं आइदर और लगाता हूँ। अगर मैं दोनों नहीं चाहिए, तो मैं नाइदर नॉर लगाता हूँ। और नहीं, नॉर आना था वहां पे। हार्डली हैड शी सीन हर आंट देन शी स्टॉप्ड फाइटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर याद हो आपको, मैंने इन्वर्जन बताया था, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। ठीक है, याद है आपको? लिटल, नॉट, ये सब इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ये तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। शी हैड होता तो एरर होता ना। अब देखो, यहाँ देखो, दैन, हार्डली हैड शी सीन हर आंट। मैंने आपको बताया था, जब भी ये हार्डली स्कार्सली होते हैं ना, दैन कभी नहीं आता, यहाँ तो वैन आता है, यहाँ बिफोर आएगा, दैन कभी नहीं आएगा। Just revise the rules. Both Sonu as well as Pawan have done their work. Student, both के साथ हमेशा and आती है। बहुत easy है, बहुत as well नहीं, ऐसे and आएगा यहाँ, error यहाँ। Both Sonu and Pawan have done their work. Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot. Unless you do not, सुन देखो, मैंने आपको बताया था, unless अपने आप negative होता है, condition है ना ये, unless के साथ not कभी नहीं चलता, कभी भी नहीं आएगा, unless अपने आप में negative है, तो मुझे ये not की जरूरत नहीं है, error यहाँ पे, not की जरूरत, यहाँ मुझे not की जरूरत है। Latin is not only hard to write but also to read. अब देखिए स्टूडेंट्स, याद है पैरेललिज्म, ये जो not only but also, either or, neither nor, ये अपने साथ पैरेललिज्म लेते हैं, मतलब कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। अब देखिए, Latin is not only hard to write
टू राइट टू रीड, ये भी इन्फिनिटिव ये भी इन्फिनिटिव, तो ये हार्ड, देखो लैटिन इज हार्ड नॉट ओनली टू राइट बट ऑल्सो टू रीड, यहां तो बट ऑल्सो के बाद इन्फिनिटिव है पर यहां नहीं है, तो इसको उठा के यहां ले जाओ. So Latin is hard not only to write but यहां पे error था. Latin is hard यहां पे, Latin is hard इस उठा यहां पे ले दो, फिर not only के साथ infinitive यहां पे but also के साथ infinitive, ये parallelism हो जाएगा. Suppose if you were left alone to live on a desert island what you do, अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए डेजर्ट पे तो आप क्या करेंगे, खालीपन खाली खाली हुई चीज, अकेले हो जहां पे आप. तो बेसिक देखो सपोज भी लगा रहे हो इफ भी लगा रहे हो, सपोज और इफ का एक ही तो मतलब हुआ अगर, तो इसमें से एक लगा लो दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, कितना आसान था एरर रूम. The briefing will be held between 2 to 3 PM. No error D. The briefing. ये होती है ना briefing करते हैं companies में, थोड़ा message देना होता है जब हमने, तो याद रखना between. ये देखो between. अभी मैं बता के आता हूँ both के साथ भी and आता है और between के साथ. Between 2 PM and 3 PM. बोथ के साथ एंड और बिटवीन के साथ भी एंड. यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ. यू मस्ट ईदर, देखो ईदर आइदर के साथ तो और आता है हमेशा, ऐसे नहीं आता और आता है, कितना आसान है ये. अरे हाँ नाइदर नॉर आइदर और, तो आइदर के साथ हमेशा और आएगा. रशिया इज सच अ बिग कंट्री एज इट हैज 11 टाइम जोन. सच एज आपको याद, सच नहीं, रशिया इज सच अ बिग कंट्री एज इट हैज, रशिया इज such a big country that रिजल्ट हुआ ना इतनी, देखो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट ही तो है, इतना इतनी बड़ी कंट्री है उसका नतीजा क्या है, 11 टाइम जोन है. दिस इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दैट. स्टूडेंट्स एज एज आना चाहिए ना, याद है आपको मैंने बताया था एज, अभी जो पॉजिटिव डिग्री होती है तो गुड है, तो एज एज तो मिसिंग है यहां, एज एज कट्ठे आता है एज ऐसे, दिस इज एज गुड एज यहां पे आ रहा है ऐसा मच, सब मैंने नोट्स में बताया हुआ है. ऑल्दो यू आर एजुकेटेड आई लाइक यू, ऑल्दो यू आर एजुकेटेड आई लाइक यू. स्टूडेंट्स कुछ देखो ऑल्दो तो अभी हमने किया कॉन्ट्रास्ट में होता है, तुम एजुकेटेड हो तो आई लाइक यू, ये कोई कॉन्ट्रास्ट थोड़ी ना हुआ. यहां तो होता देखो ऑल दो यू आर एजुकेटेड आई डोंट आता यहां पे, फिर तो कंट्रास्ट की सेंस भी बनती है. तो इसको अब इसका रीजन का बना दो, सिंस या एज लगा दो, सिंस लगा दो, रीजन की बना दो सेंस.
सिंस यू आर एजुकेटेड आई लाइक यू. देखो क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. देखो पढ़ा लिखा होना उसका, उसको पसंद करने का रीजन क्या है, उसका पढ़ा लिखा होना. तो रीजन की लगा सकते हो, हमने पढ़ा था बिकॉज एज और सिंस, ये लगती हैं रीजन में.